दिल्ली में आज से ऑड इवन लागू हो चुका है। इवन दिन पर ऑड नंबर की गाड़ियों का चालान जो है वो काटा जा रहा है। चलिए आपको तस्वीर दिखाते हैं, पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। तीन जगह की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज सिर्फ इवन नंबर की गाड़ियां यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 की जो है वो चालान नहीं कटेगी। चालान काटे जाने पर लोग जो है वो बहाना बनाते नजर आए हैं। दिल्ली में व्हीकल्स की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए, देखिए जो बाहर से प्रदूषण आ रहा है, पराली का, फसलों के जलने का पोल्यूशन, उस पोल्यूशन को कम करने की तो हमारे वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे निपटने के लिए हम मास्क बंटवा रहे हैं स्कूल के बच्चों के जरिए। लेकिन अपना दिल्ली का जो पोल्यूशन है उसे कोशिश करके और कम कर सकते हैं। तो व्हीकल्स के पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली में जैसे डेली 30 लाख कारें सड़क पे उतरती हैं, तो आज 15 लाख कारें सड़क पे नहीं उतरेंगी, तो 15 लाख कारों का जो धुआं होता था वो कम हो जाएगा। इसके लिए आज से ऑड इवन शुरू किया है और मुझे बेहद खुशी है। सुबह 8 बजे आज शुरू हुआ था, तो पूरे दिल्ली से जो रिपोर्ट आ रही है लगभग 100% इसका पालन हो रहा है। दिल्ली के लोगों ने जम के इसका समर्थन किया है, वॉलंटरीली इसका समर्थन कर रहे हैं। पूरे दिल्ली से मेरे ख्याल से इक्का दुक्का कोई चालान की घटनाएं सुनने को मिली हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर बार की तरह कठोर से कठोर कदम का भी दिल्ली के लोग समर्थन करते हैं। अभी हम सब लोगों ने पिछले 10 हफ्तों से मिलके हमने डेंगू को हराया, सक्सेसफुली डेंगू को हराया। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे दिल्ली के लोगों के साथ मिलके मैं हम लोग प्रदूषण को भी काबू पाने में कोशिश करेंगे। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, पराली का धुआं फैला हुआ है, बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हम पराली के धुएं को कम नहीं कर सकते आज की तारीख में, अब ये फैल चुका है, लेकिन कम से कम हम अपने पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनमें कमी ला सकते हैं। और वेहिकुलर पॉल्यूशन दिल्ली में अपनी दिल्ली के लिए करना है हमें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वो छोड़ दीजिए, अभी अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अगले 10 दिन तक अगर हम ऑड इवन फॉलो कर लेंगे तो दिल्ली के अपने सोर्सेज में कमी आएगी, कुछ तो राहत मिलेगी। दिक्कत के समय में अगर थोड़ी सी हार्डशिप हम कर लें और थोड़ी सी राहत मिले, मुझे लगता है ये सबके लिए फायदे की चीज़ है। पॉल्यूशन का मेन कारण बार बार जो रिपोर्ट्स हैं, आज भी टेरी की रिपोर्ट है, सफर जो अर्थ साइंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है, उन्होंने कहा कि मेजर जो पॉल्यूशन का कारण है आज के दिन वो जो पराली का धुआं है वो है। दिल्ली का जो पॉल्यूशन है, दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मेहनत के साथ और तमाम इनकन्वीनियंस उठाने के बाद 25 से 30% दिल्ली का पॉल्यूशन कम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो कदम उठाया ऑड इवन से, इससे कुछ राहत जो है जरूर मिलेगी। मुझे शायद ही कोई गाड़ी ऐसी नजर आई जो कि आज इवन डे है, तो एक्सेप्ट आई थिंक कुछ गाड़ियां जो लेडीज चला रही हैं। मेजर कंप्लायंस दिल्ली वासियों ने बहुत कमाल करके दिखाया, सभी दिल्ली वासियों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली के लोगों से भी निवेदन है कि सब लोग कारपूल करें, उसको सफल बनाएं। तो सर पिछली बार भी कारपूल किया था, तो क्या इस बार भी सही रहेगा? निश्चित रूप से सब लोग मिलकर के करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी।